الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في موضع آخر: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की दो जगह से दो आयतें तिलावत फरमाई। पहली आयत का तर्जमा ये है कि जो कोई भी दीन इस्लाम से फिर जाएगा और कुफ्र की हालत के अंदर उसकी मौत आ गई तो दुनिया और आखिरत के अंदर उसके सारे अमाल हब्त और बेकार हो जाएंगे और वो जहन्नम वालों के अंदर शुमार होगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। और दूसरी आयत जिसका तर्जमा ये है कि काफिर लोग ये तमन्ना करते हैं, ये चाहते हैं और वो किताल और लड़ाई इसलिए करते हैं कि सारे लोगों को हम अपनी तरह से यानी अपने मजहब पर अमल करने वाला बना लें। अगर वो चाहते, उनके बस में होता तो ये किताल करके सारे लोगों को अपने दीन पर, अपने मजहब पर अमल करने वाला बना ले। खैर, असल बात अर्ज ये करना है कि हमें अपने दीने इस्लाम की और ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिस दौर से गुज़र रहे हैं और इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ अदलते बदलते हालात हमें कुछ सबक दे रहे हैं कि इस वक्त ईमान और इस्लाम की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और ये हमारा कीमती सरमाया है। जैसे एक आदमी के पास में कीमती ख़जाना हो तो उसको कैसे हिफाजत के साथ में रखता है कि चोर और डाकू हमारे कीमती खजाने को लूट न ले। इससे भी, सोने और चांदी से भी, हीरे और जवाहिरात से भी ज़्यादा कीमती जो हमारा खजाना है और कीमती जो हमारा सरमाया और पूंजी है वो ईमान की और इस्लाम की दौलत है। और जो हम क़यामत के करीब होते जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन ईमान के ऊपर डाका डालने वाले बढ़ते चले जाएंगे। ईमान के लुटेरे अपने एतबार से मेहनत करते जाएंगे और क़यामत के करीब सबसे संगीन और सबसे ख़तरनाक जो फितना है वो इर्तिदाद का फितना है कि ईमान वाला इस्लाम से हाथ धो बैठे, ईमान वाला अपने ईमान को तर्क कर दे, छोड़ दे। ये पुर्बे क़यामत सबसे बड़ा फितना है, संगीन फितना है। इसलिए हर वक्त अगरचे हम ईमान वाले हैं, अगरचे हम मुसलमान हैं, अगरचे हम मुस्लिम माहौल के अंदर रहते हैं, अगरचे हम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारा पूरा घराना नमाजी है, हमारा पूरा घराना अल्लाह की इबादत करने वाला है और अल्लाह से डरने वाला है, लेकिन हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक कि हम दुनिया से ईमान के साथ और कलमे के साथ में रुखसत ना हो। जैसे कहते हैं कि भाई हमारा खात्मा अच्छा हो, हमारा खात्मा ईमान पर हो, इसलिए कि असल मदार खात्मे का है। असल जो मदार है वो खात्मे का है कि मौत के वक्त जब दुनिया से जा रहे हो तो हमारी ज़बान के ऊपर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो। इसलिए कि इस वक्त दुनिया के अंदर बातिल ताकतें और ईमान के लुटेरे ईमान और दीन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए जो मेहनतें और जो तदबीरें कर रही हैं, आज उसकी वजह से हज़ारों और लाखों मुसलमान उनके पंजे में, हज़ारों नौजवान उनके पंजे में और हज़ारों नौजवान लड़कियां उनके पंजे में आकर के अपने इस्लाम से और दीन से दूर हो जाती हैं और हज़ारों बच्चे इसके पंजे में आकर के अपने आप को इस्लाम से हाथ धो बैठाते हैं, इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे कई वाक़ियात हैं। ईसाई मशीनरी बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। हमारा ये जो दावत और तबलीग का काम हो रहा है ये भी ज़बरदस्त मेहनत पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन ईसाइयों की मेहनत इससे भी ज़्यादा हो रही है। ईसाइयों की कोशिशें ईसाई मजहब के अंदर लाने के लिए और दीन इस्लाम से दूर करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, हमारे मुल्क के अंदर भी हज़ारों ब्रांच हैं और इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, गरीब गरीब ममालिक के अंदर, जंगलों के अंदर फ़क्र फ़ाका को बर्दाश्त करके, अपने घर की सहूलियात को छोड़ करके दो दो चार चार महीने नहीं बल्कि आठ आठ महीने और एक एक साल, दो दो साल के लिए ईसाई मशीनरियाँ काम कर रही हैं और ईसाई मजहब के लोग अपने ईसाई मजहब की दावत दे रहे हैं और ईमान वालों को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ पर गैर मेहनत कर रहे हैं अपने मजहब में लाने की, जैसे मैंने शुरू में आयत पढ़ी कि काफिर लोग तुमसे किताल करते रहेंगे, अगर उसके बस में होता तो वो तुमसे किताल करके भी अपने मजहब के अंदर दाखिल करते। और काफिर लोग की ये तमन्ना है, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम कुफ्फारा, कि ये काफिर लोग, ये यहूद और ये नसारा ये चाहते हैं कि हम दीन इस्लाम को छोड़ करके उनके मजहब को इख्तियार कर ले। और ये हसद की वजह से, हसदम मिन इंद अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, ये दीन इस्लाम क्यों तरक्की कर रहा है, हमारा मजहब तरक्की करे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हरगिज़ हरगिज़ यहूद और नसारा हमसे खुश नहीं होंगे। हम चाहे कि यहूद हमसे खुश हो जाए, हम चाहे कि ईसाई हमसे खुश हो जाए। कुरान ने कहा वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कि यहूद और ईसाई तुमसे हरगिज खुश नहीं होंगे, यहाँ तक कि तुम उनके मजहब की पैरवी न करो, उनके मजहब की पैरवी न करो। और आज मुसलमान कमज़ोर ईमान वाला और जिनके घरों में बच्चों की तरबियत नहीं होती है, तो वो बच्चे या तो स्कूलों में ईमान को ज़ाया करते हैं, और नौजवान के जिन्होंने सही मानों में ईमान और कलमे को समझा नहीं, वो नौकरी के चक्कर के अंदर अपने ईमान को ज़ाया करते हैं। और नौजवान लड़कियां के जो इश्क और मोहब्बत के नशे में आकर के ईमान को मामूली समझ करके गैर से शादी रचाती हैं और गैरों के घरों के अंदर चली जाती हैं। ये एक दो बुजुर्ग वाक़ियात नहीं है, एक दो कारगुजारियाँ नहीं है। हम समझ रहे हैं कि दुनिया में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना तेज़ी से इर्तिदाद भी दुनिया में फैल रहा है, इतना तेज़ी से इर्तिदाद भी दुनिया के अंदर फैल रहा है। बेदीन लोग हो रहे हैं, ईमान को फरोख्त कर रहे हैं, और क़यामत के करीब ये फितना होगा कि ईमान को आदमी मामूली मामूली चीज़ों के अंदर फरोख्त कर देगा, बेच देगा। और बहुत से ऐसे वाक़ियात हैं कि जो इबादत गुजार थे और नमाजी थे, लेकिन थोड़ी सी दुनिया के एवज के अंदर और थोड़ी सी दुनिया की लालच में आकर के अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने ईमान को फरोख्त कर देते हैं। इसलिए हर वक्त हमें अपने ईमान की हिफाजत ज़रूरी है, इसलिए कि ये हमारा कीमती ख़जाना है। एक नौजवान मुसलमान को नौकरी मिलने वाली थी, इनका इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारे मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर 3 तलाक के बारे के अंदर सिर्फ़ मर्दों को यानी कि ऑर्डर दिया गया कि मर्द ही तलाक दे सकता है, औरतें क्यों नहीं। और इसी तरीके से तुम्हारे मज़हब के अंदर, तुम्हारे मज़हब के अंदर औरतों को पर्दे के अंदर रहने का कहा गया है, मर्दों को क्यों नहीं। क्या ये औरतों के ऊपर जुल्म नहीं है? इंटरव्यू लिया गया और उनसे इस तरीके से सवालात किए गए, कारगुजारी में लिखा है। तो नौजवान ज़हनी एतबार से, अपने ईमानी पावर के एतबार से कमज़ोर था, और उनकी बातों में आकर के हाँ से हाँ मिलाने लगा और यूँ कहने लगा कि हाँ हाँ मेरी भी अकल में बात नहीं आ रही है कि जैसे मर्दों को 3 तलाक के लिए हाकिम बनाया गया है, मर्द दे सकता है, तो औरतें क्यों 3 तलाक नहीं दे सकती हैं। इसी तरीके से एक मर्द को 4 शादी करने का हुक्म दिया गया है, तो एक औरत को 4 मर्दों से शादी करने का क्यों हुक्म नहीं दिया गया कि क्या ये औरत पर जुल्म नहीं है? जैसे एक मर्द 4 शादी रचा सकता है, तो क्या एक औरत 4 मर्द से शादी नहीं कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है और ऐसा सुना भी नहीं है। हालांकि मुसलमान नौजवान है, लेकिन इस तरीके से जहन को घुमा करके इस्लाम से फिर जाता है। और जब वो नौजवान उनकी बातों में आ जाता है और अपने इस्लाम के खिलाफ इस तरीके से बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल हक है, जब इस तरीके से वो इकरार कर लेता है, अपने इस्लाम और ईमान से फिर जाता है। और कुछ दिन गुजरते इस तरीके से, रास्ते के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर हादसा होता है, और उसी नौजवान की, मुस्लिम नौजवान की एक्सीडेंट के अंदर कुफ्र की हालत के अंदर मौत आती है, कुफ्र के अंदर मौत आती है। एक मासूम सा बच्चा है, ईसाई कैसे मेहनत कर रहे हैं, एक ईसाई मेहनत कर रहा है स्कूल के अंदर, टीचर अपने बच्चों को अपने ईसाई मजहब की दावत दे रहा है, और अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह इनकार कर रहा है कि करने वाले एक अल्लाह नहीं है, खालिक और मालिक, पैदा करने वाले एक अल्लाह नहीं है, बल्कि तुम्हारा खालिक ईसा अलैहिस्सलाम है और 3 खुदा हैं, उससे तुम मांगो, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होगी और तुम्हारी परेशानियां दूर होगी। ईसाई अपने अपने स्कूलों के अंदर छोटे छोटे नौनहाल मासूम खूबसूरत चांद जैसे बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और उनको यूं कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से से चॉकलेट मांगो, तो वो जब अल्लाह को मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं चॉकलेट को, कैडबरी को अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमें चॉकलेट दे दे, हमें कैडबरी दे दे, तो उसके कहने के ऊपर इस तरीके से ये चॉकलेट और कैडबरी वगैरह नहीं मिलती है। और वो ईसाई लोग अपनी छत के सुराख बना करके, छत में सुराख बना करके, ऐसे पोशीदा सुराख के बच्चों को नजर ना आए, और फिर उन्हीं बच्चों से कहा जाता है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम से चॉकलेट मांगो, जो तीन खुदा है उनसे तुम मांगो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। फिर पोशीदा तौर पर ऊपर से चॉकलेट गिरती है कि कहा जाता है कि देखो तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी हो गई, तुम्हारे अल्लाह ने ज़रूरत पूरी की या ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी ज़रूरत पूरी की। अब वो मासूम बच्चे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है, उनका अंदर से यकीन बन जाता है कि नहीं, हकीकत में अल्लाह हमारा खुदा नहीं है, हमारा मालिक नहीं है और हमारा खालिक नहीं है, बल्कि हमारा खुदा तो कोई और है। इसी तरीके से कभी कभी बच्चों की दफ्तर की चीज़ें छुपा दी जाती हैं। अब बच्चे तलाश करते हैं, नहीं मिलती हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे खुदा से मांगो, तो वो नहीं दी जाती हैं। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो फिर वो पोशीदा तौर पर उनको वो चीज़ें दी जाती हैं जिससे उन बच्चों का जहन खराब होता है। तो जैसे बच्चों का ईमान खराब हो रहा है, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, ऐसे नौजवान भी नौकरी के चक्कर के अंदर, दो रोटी और दो बोटी के चक्कर के अंदर जाते हैं। ऐसे हमारी नौजवान मुसलमान लड़कियां भी गलत इश्क और मोहब्बत के फंदे में और प्यार के अंदर फंस करके अपने ईमान को फरोख्त कर देती हैं। और ऐसे एक तरफ से हमारे ऊपर शैतान की भी मेहनत होती है कि ये अपने ईमान को बचा करके दुनिया से न लेकर के जाए। इसलिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हालांकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम वो जमात है जिनके ईमान के अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता है, उनका ईमान कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर यकीनी है। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं, रब्बी तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, कि अपने ईमान की फिक्र कर रहे हैं और अपने इस्लाम की फिक्र कर रहे हैं और अपने औलाद की। अगर कोई हमारे यहाँ पर कोई इलाके में अल्लाह वाला हो तो हमें ये होता है दिल में गुमान कि उनकी औलाद अच्छी तरीके से दीनदार होगी। अब उनके मोहल्ले में और उनके इलाके के अंदर बेदीनी नहीं आ सकती है, लेकिन और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वो जमात मुकद्दस जमात है, मासूम जमात है कि अंबिया अपने ईमान की भी हिफाजत की दुआ कर रहे हैं और साथ में अपनी औलाद को भी वसीयत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, हमारे चले जाने के बाद किसकी इबादत करोगे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं और अल्लाह ने आपको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, जिगरी दोस्त का लक़ब दिया, और आप कितने बड़े पैगंबर हैं, हम सीरत में पढ़ रहे हैं। लेकिन यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, के ए मेरे परवरदिगार मेरी भी और मेरी आने वाली औलाद की भी बुत परस्ती से हिफाजत फरमा, बुत परस्ती से हिफाजत फरमा। कुरान ने कहा वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं और इनके अब्बा भी नबी हैं हज़रत इसहाक़, और उनके दादा भी नबी हैं हज़रत इब्राहीम, और उनके चाचा भी हज़रत सुलेमान ये हज़रत इस्माईल नबी हैं, और उनके बेटे भी हज़रत यूसुफ नबी हैं। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त करीब आया तो अपनी औलाद को अपने करीब बुलाते हैं और बुला करके पूछते हैं कि तुम बताओ मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसकी परवरिश, किसकी परस्तिश करोगे। मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून, कि आप क्या बात कर रहे हो, आपके चले जाने के बाद हम दीन से फिर जाएंगे। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है, हम उस परवरदिगार की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते थे, उस परवरदिगार की परस्तिश करेंगे जिसकी आप परस्ती, एक खुदा की परस्तिश करेंगे जिसकी परवरिश हजरत इब्राहीम और हजरत इसहाक और इसी तरीके से जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम पैगंबर जो गुजरे और उन्होंने एक अल्लाह की तरह तना इबादत की है, उस अल्लाह की हम भी इबादत करेंगे। तो इस तरीके से पैगंबर को अपनी औलाद की फिक्र है, अपने ईमान के बारे में, अपने ईमान की हिफाजत के बारे में और खुद की भी फिक्र है। तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हर वक्त हम अपने ईमान को बचाए कि लुटेरे हमारे ईमान को लूट न ले, चोर हमारे ईमान की चोरी न कर ले, जालिम हमारे जुल्म के ऊपर हमला न कर ले और हम बगैर इस्लाम और ईमान के दुनिया से रुखसत हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं वो यूं कह रहे हैं कि ए मेरे परवरदिगार, ए आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, मुझे इस्लाम की हालत में मौत अता फरमाना। हालांकि नबी है और उनका ईमान बिल्कुल पक्का और यकीनी है, कोई खतरा नहीं, नबियों के ईमान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो नबी यूं कह रहे हैं रब्बी तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, ए परवरदिगार मुझे इस्लाम के साथ में मौत अता फरमाना और मुझे कल कयामत के दिन सालिहीन के साथ, नेक लोगों के साथ के अंदर उठाना। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की, हमारे घर वालों की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की, जान माल की, इज्जत आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला दिन ब दिन हमारे ईमान में तरक्की अता फरमाए और उन असबाब को हमें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे हमारे ईमान की हिफाजत होती हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।